हाय गाइस, वेलकम बैक आर एस ब्लॉग। और आज हम इस ब्लॉग में बात करेंगे कि कैसे फ्रॉड होता है और कैसे इसे रोका जाए, और क्या ये मेरे साथ हुआ है। तो यस, ऑफ कोर्स हुआ है, जस्ट अभी हुआ है। एंड अभी मैं सब कुछ बताने वाला हूँ किस प्रकार वो लोग फ्रॉड करते हैं। इस वीडियो में मैं सब यही जानकारी देने वाला हूँ और क्लियर बताने वाला हूँ कि मैंने क्या किया था जो मुझे ये फ्रॉड का कॉल आया, क्या वो इंटरनेशनल था या इंडिया से था। सो गाइस, सब कुछ बताने वाला हूँ एंड इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जानकारी के लिए, क्योंकि काफ़ी चोरियाँ हो रही हैं बैंक से, फ्रॉड हो रहा है, धमाकेदार फ्रॉड हो रहा है, पता नहीं पड़ते पैसे उड़ जाते हैं। सो गाइस, इंडिया की जनता के लिए ये वीडियो है, सभी ध्यान से देखो। और जो मेरे साथ होने वाला था, डूड, ये मैंने खुद अपने लिए किया था। मैं जानना चाहता था कि ये होता है या नहीं होता है, तो भाई ये सच में होता है एंड फ्रॉड होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब मी एंड माय यूट्यूब चैनल आर एस ब्लॉग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट, एंड मैं उसका नंबर भी दूंगा, बताऊंगा कि उसने मुझे व्हाट्सएप पे क्या क्या बोला एंड क्या क्या मांगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू। हेलो, ये पता करने के लिए मैंने अपना लैपटॉप का एड OLX पे डाला, और डालने के साथ ही देखिए ये क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा OLX, एंड देखिए मैंने सस्ते में डाला था इसको एड, बहुत ही सस्ते में 27,000 का लिया था मैंने, बट मैंने इसका प्राइस डाल दिया था 18,000। ये देखिए, लेनेवो S145, 18,000। ओके, ये डेट बेट सब लिखिए। तो गाइस, अब चलिए, ऐड देखा, 5 लोगों ने देखा, उसमें एक हैकर भी था जिसने मेरा ऐड देखा, फ्रॉड करने वाला। सो अब मैं बताता हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ। सो डूड, इसको हटाते हैं, एंड ये देखिए व्हाट्सअप एंड ओपन व्हाट्सअप एंड लुक, ये देखिए ये बंदा है, नंबर देखिए, ये यहाँ का नहीं है, ये नाइजीरिया का शो कर रहा है। बट मैं अभी ये भी बताऊँगा कि ये कोड कहाँ का है, ये नंबर कहाँ का है, RRTJ। सो गाइस, ये इंडिया का नंबर नहीं है, इंटरनेशनल नंबर है। सो अब देखिए, पहले इसने मेरे को बोला हेलो फ्रेंड, हेलो माय फ्रेंड ऑन OLX, टेल मी योर लास्ट प्राइस। तो मैंने बोला यस टेल मी ब्रो, क्योंकि मैंने बाद में मैसेज पढ़ा था, इसका मैसेज 12:44 पे है, मैंने 12:47 पे पढ़ा था, लास्ट प्राइस पूछ रहा है। मैंने बोला भाई ये लास्ट प्राइस है, क्योंकि मैंने 27,000 का लिया था अपनी बर्थडे पर फ्रॉम यू। मैंने पूछा इसको, फिर मैंने बोला इसको फ्लिपकार्ट पर देखो आप, और फिर मैंने बोल दिया बाय ब्रो। सो लिसन दिस इज, इसने क्या बोला, मेरा रिप्लाई करके दिया, आई एम फ्रॉम USA, आई विल बाय इट टू माई कज़िन इन राजस्थान, विल ऑफर यू 32,000 इन इंक्लूडेड द शिपिंग कॉस्ट, सो काइंडली ड्रॉप मी योर डिटेल, नेम, बैंक नंबर, अकाउंट, बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड एंड ईमेल एड्रेस। सो गाइस, फिर मैंने इसको बोला कि अपनी पिक सेंड करो, फुल नेम बताओ और अपनी आईडी प्रूफ सेंड करो। तो इस अनजान बन गया, बोल रहा है फोर वॉट। मैंने कहा ब्रो आई एम गिव यू माई ऑल डिटेल्स, सो सेंड मी योर पिक एंड योर फुल नेम एंड योर आईडी। मैंने इसको बोला पहले ये सब कुछ अपना दे दो, तब मैं आपको अपना डिटेल दूंगा। तो इसने बोला सेंड योर डिटेल फर्स्ट, यानी कि ये पहले मांग रहा है। मैंने बोला इसको थोड़ी देर बाद, व्हाट हैपन ब्रो, 8 मिनट बाद व्हाट हैपन। तो इसने डॉट सेंड किया और बोलता है सेंड डिटेल ब्रो, बट आई एम नॉट डाउन लैपटॉप प्राइस। मैंने बोल दिया भाई 18 से कम नहीं है। ओके, यू गिव मी 80,000, मैंने बोल दिया इसको। तो इसने बोला ओके डूड, अभी भी मैंने इसको कोई भी अपनी डिटेल नहीं भेजी है, क्योंकि ये फ्रॉड है। अब मैं बताता हूँ इसका नंबर, ये मैंने कॉपी कर लिया, और जस्ट ये देखिए ट्रू कॉलर में जाके मैंने इसको यस कर दिया। तो अभी मैं बताता हूँ, ये देखिए बुजायो बुजायो बोल रहा है ये, एंड नाइजीरिया, देख रहे हो आप, नाइजीरिया, यानी कि ये एक हैकर है। एंड अभी मैं इसके कोड का भी पता लगाता हूँ, +234, राइट, +234। गूगल में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे जाते हैं, सॉरी,
प्लस 234 सर्च किया, देखो नाइजीरिया कंट्री कोड, समझ रहे हो ना आप, नाइजीरिया में सबसे ज़्यादा हैकर है, वो इंडियन लोग कुछ बेवकूफ़ बनाते हैं और उल्लू बनाते हैं। तो डूड ये नंबर मैंने आपको दिया है, ये देखिए, फिर दोबारा देख लीजिए, अगर कोई भी ऐसा नंबर आता है तो OLX पे कभी भी कुछ भी मत देना, कोई भी डिटेल मत देना अपनी, वरना आप बहुत लॉस में चले जाओगे, घाटे में चले जाओगे। सो यही मुझे बताना था, इसलिए मैंने अपना OLX पे लैपटॉप का ऐड डाला था, क्योंकि इससे लोगों को जानकारी मिल सके। ये देखिए मेरा ऐड, ये देखिए, है ना। तो गाइस प्लीज़ कोई भी ऐसा काम मत कीजिए, एंड ये नंबर नोट करिए, कॉल लगाइए, व्हाट्सएप कीजिए, इसकी कंप्लेंट कर दीजिए, क्योंकि ये नाइजीरिया का हैकर है जो इंडिया के लोगों को उल्लू बना रहा है, समझिए आप। थैंक यू गाइस। हाय, तो देखा आपने कैसे ये बेवकूफ़ बनाने वाले काम कर रहा था, और अगर मैं ये दे देता, मुझे तो मालूम है ये सब कुछ नहीं देना है, बट गाइस जो सीधे लोग होते हैं जिनको कुछ मालूम नहीं होता, वो लोगों को ये बहुत जल्दी उल्लू बना देते हैं और इनके पूरे पैसे अपने कब्जे में कर लेते हैं, और पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्री होते हैं। सो गाइस ध्यान से OLX पर कोई भी ऐसा कुछ भी मत करना, क्योंकि OLX पर काफ़ी फ्रॉड हो रहा है। सही बोलूँ ना तो ये रियल प्रूफ था जो अभी जस्ट मुझे हुआ, मैंने ये सब चेक करने के लिए अपना OLX पे लैपटॉप का ऐड डाला और ये हुआ जो आपने देखा। सो गाइस इसके अलावा इसके आगे अगर कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कुछ भी किसी भी क्वेश्चन के लिए आप मुझे बोल सकते हैं। सो ये यही जानकारी थी जो मुझे आपको देनी थी, एंड लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू।